बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। बढ़ते आगे, भीम आर्मी के भारत बंद के आह्वान को देखते हुए रुड़की पुलिस प्रशासन सतर्क नजर आ रहा है। बंद को देखते हुए पर्याप्त पुलिस फोर्स की ड्यूटी सभी क्षेत्रों में की गई है। सीओ रुड़की का कहना है, यदि किसी भी व्यक्ति द्वारा क्षेत्र की शांति व्यवस्था भंग की जाएगी तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। भीम आर्मी कार्यकर्ताओं से शांतिपूर्ण तरीके से जुलूस निकालने का आग्रह किया है। सुरक्षा के मद्देनजर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान के बयान से राजनीतिक पार्टियों में लगातार घमासान जारी है। लक्सा विधायक संजय गुप्ता के बाद अब VHP के जिला उपाध्यक्ष अजय वर्मा ने वारिस पठान के बयान पर क्रोध प्रकट किया है। उन्होंने वारिस पठान को जहरीला सपोला बताते हुए उनका फन कुचलने की बात कही है। उत्तराखंड के लक्सर में समाज कल्याण विभाग का नया गड़बड़ झाला सामने आया। विभाग ने सुल्तानपुर की युवा अध्यापिका के खाते में बिना आवेदन के वृद्धावस्था पेंशन भेज दी थी। अध्यापिका ने पेंशन लौटाते हुए इसकी सूचना मांगी, पर उन्हें सूचना भी नहीं दी गई। राज्य सूचना आयोग ने जिला समाज कल्याण अधिकारी पर 12,500 का जुर्माना लगाया। शिक्षिका ने बताया कि विभाग ने उनके खाते में 24,400 रुपए की धनराशि डाल दी, जबकि उनकी उम्र महज 30 साल है। इसके बाद शालू ने उनकी रकम वापस कर दी और RTI के तहत अपने कथित आवेदन की सूची मांगी, लेकिन विभाग ने उसको सूचना नहीं दी। इसके बाद उन्होंने राज्य सूचना आयोग में शिकायत की। इस पर सूचना आयोग ने 12,500 रुपए का जुर्माना लगाया है, साथ ही भारी भ्रष्टाचार होने की संभावना भी जताई है। ना तो मैंने कभी कोई पेंशन के लिए आवेदन किया था, ना ही मैं इससे पात्र हूँ। लेकिन जब मैंने सूचना मांगी तो मुझे अब तक कोई मतलब वो नहीं मिला इसका सही निर्णय। इसमें ना समाज कल्याण के मतलब समाज कल्याण ना हमारी तरफ मेरी पत्नी के अकाउंट में वृद्धा पेंशन डाली थी, और वृद्धा पेंशन डालने के बाद वो समाज कल्याण को हमने वापस कर दी। तो फिर हमने जब RTI मांगी तो उसमें उनके पास कोई आवेदन नहीं था। जब आवेदन की मांग की तो उनके पास कोई आवेदन नहीं था। सूचना आयुक्त में जाने के बाद वहाँ से रणजीत सिंह बर्तवाल पर 12,500 रुपये का जुर्माना हो गया और हमारी जांच जो थी वह SIT के माध्यम से ट्रांसफर कर दी। उत्तराखंड के लक्सर में पुलिसकर्मी के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। बीच बचाव करने आए पुलिसकर्मी की पत्नी और साली के साथ भी आरोपियों ने मारपीट की और पत्नी के गले से सोने की चेन भी तोड़ ली। दरअसल सुशील मेरठ में कांस्टेबल के पद पर तैनात है, वो अपने ससुराल जा रहा था और इसी बीच इस्माइलपुर चौराहे पर कुछ दबंगों ने सुशील कुमार की गाड़ी रोक कर उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। उसके परिवार से भी मारपीट की। किसी तरह सुशील ने अपनी और अपने परिजनों की जान बचाई। मामले को लेकर पुलिसकर्मी ने थाने में मामला दर्ज करवाया है। तीन चार लड़के आए, कल तो एक बाइक पाया, उसने बदतमी से मेरे साथ बोला। मैंने कहा भाई क्या बात होगी, वो कहा छिनते देखो क्यों चल रहा। मैं कहा छिनते तो काम है, तो गाड़ी बहुत धीरे धीरे चला रहा। वो फिर बदतमी से बोला, मैंने उसको गाड़ी रोक कर उससे बात कर रहा, तो तभी दो तीन लड़के हो रहा है और मैं उस वो कह लगे तू गाड़ी साइड में क्यों लगा रखी हुई, तू ज़्यादा बड़ा नेता बन रहा। मैं कहा भाई गाड़ी साइड में ही, तू इधर को निकल जाना। लेकिन वो फिर बदतमी से बोल ले, वो लड़का भी बोल रहा। फिर वो 4-5 आए, उन्होंने बदतमी कर दी, मारपीट शुरू कर दी। और जो जैसे जिस तरह इन्होंने बताया ना, इस तरह तो मैं घबराएगी। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, मैं कहा छोड़ वो भाई, चलो हटो यहाँ से, क्यों छेड़खानी कर रहे ज्यादा। तो मुझे भी गाड़ी देख बोल ले बदतमीजी, तर मेरे यहाँ से पकड़ा भाई साहब, यहाँ से यूं पकड़ा और मुझे पीछे को धक्का दिया। इस्माइलपुर से थोड़ा जब मोड़ है उससे थोड़ा आगे, और वो लोग पता नहीं उनके हाथ में चला गया क्या हो गया। रुड़की IIT में एक बार फिर छात्रा से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि IIT से PhD कर रही छात्रा ने अपने जूनियर साथी पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया। वहीं पीड़ित छात्रा ने मनचले छात्र के खिलाफ सिविल लाइन कोतवाली में तहरीर दी है। इससे पहले भी IIT रुड़की में छात्राओं के साथ छेड़छाड़ के मामले सामने आ चुके हैं। वहीं CO रुड़की का कहना है कि छात्रा की शिकायत के आधार पर जांच पड़ताल की जा रही है, उसके बाद ही कार्रवाई की जाएगी। कुर्मांचल नगर सहकारी बैंक एम्प्लॉयज यूनियन के अधिवेशन में सरकार की नीतियों और बैंकों की खस्ता होती हालात पर मंथन किया गया। सभा में उपस्थित कर्मचारियों ने अपनी राय रखी। कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष प्रवीण शाह ने कहा कि सरकार बैंक कर्मचारियों के हितों की अनदेखी कर रही है। सरकार बैंकों को निजीकरण की ओर धकेल रही है, जिसके विरोध में यूनाइटेड फॉर्म ऑफ बैंक यूनियन ने जनवरी में 2 दिन की हड़ताल भी की थी। अगर सरकार ने उनकी मांग नहीं मानी तो मार्च में 11-12-13 तारीख को दोबारा हड़ताल करेंगे। इसके बाद भी सरकार नहीं चेती तो 1 अप्रैल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। लेकिन
आपने इससे पहले आके चेक ना करें। बेरीनाग इलाके में स्थित पुंगेश्वर महादेव मंदिर में रामलीला कमेटी आनंदपुर पिनारी के तत्वावधान में शिव बारात और कलश यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के विभिन्न गांवों के सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। शिवरात्रि के मौके पर पहली बार शिव बारात का आयोजन किया गया था, जिससे ग्रामीणों में काफी उत्साह देखने को मिला। इस दौरान मंदिर में विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान भी हुए। चारधाम यात्रा अप्रैल माह में शुरू होने वाली है, जिसके लिए परिवहन विभाग द्वारा विशेष सुविधा के रूप में वाहन स्वामी एवं चालकों के लिए ग्रीन कार्ड बनवाने की सुविधा ऑनलाइन की जा रही है। ग्रीन कार्ड बनाने की ऑनलाइन प्रक्रिया प्रगति में है, जिसका लाभ लेते हुए चारधाम यात्रा में आवाजाही करने वाली गाड़ियों को परिवहन विभाग के संभागीय कार्यालय में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सभी वाहन स्वामी और चालक किसी भी जगह से ग्रीन कार्ड बनवाने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। एआरटीओ अनीता चमोला ने बताया कि इस प्रक्रिया का लाभ लेने के लिए वाहन संबंधी सभी दस्तावेजों को ऑनलाइन अपडेट करना आवश्यक है। अभी इसी यात्रा सीजन में हम लोग परिवहन विभाग इसकी तैयारी कर रहा है, और जहां तक उम्मीद है कि इस यात्रा सीजन में हम इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो अभी तक तो हर गाड़ी वाले को फीस कटाने के लिए भी और डॉक्यूमेंट्स अपने दिखाने के लिए भी कार्यालय में आना पड़ता था, तो इस बार ये किया जा रहा है कि छोटी गाड़ियों को फिजिकल इंस्पेक्शन, यानी कि जो 10 सीट तक की जो गाड़ियां हैं उनको इंस्पेक्शन से मुक्त रखा जाए। और अगर उनके और चलिए ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड के गैरसैंण में बजट सत्र को लेकर पुलिस महानिदेशक ने प्रदेश के सभी जनपद प्रभारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और कानून व्यवस्था के संबंध में बैठक भी ली। इस दौरान सत्र को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में नोडल अधिकारी व माध्यमिक शिक्षा की प्रमुख सचिव आराधना शुक्ला ने जिले के कई स्कूलों में संचालित बोर्ड परीक्षा का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्हें कई खामियां मिली, जिन पर उन्होंने सख्त कार्रवाई करने की बात कही। उत्तराखंड में ऑपरेशन स्माइल चलाया जा रहा है, जिसके तहत उत्तराखंड पुलिस ने 315 बच्चों को उनके परिवार से मिलाया और 24 अज्ञात शवों की शिनाख्त कराई है। उत्तराखंड के काशीपुर में धार्मिक स्थलों पर लगे माइक से हो रहे ध्वनि प्रदूषण को प्रतिबंधित करने के लिए बैठक धर्मगुरुओं और जनप्रतिनिधियों के साथ आयोजित की गई है। बैठक में कोर्ट के आदेश के कड़ाई से पालन के निर्देश दिए गए। बैठक में बताया गया कि धार्मिक स्थलों पर लगे लाउड स्पीकर को अनुमति के बाद निर्धारित डेसिबल तक की ध्वनि में ही बजाया जा सकता है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के गांव बसंतीपुर में धार्मिक अनुष्ठान के बाद भंडारे का प्रसाद ग्रहण करने से 97 लोग बीमार हो गए, जिसमें 45 लोगों को फूड पॉइजनिंग की शिकायत हुई। लोगों का इलाज गांव के ही सरकारी एलोपैथिक चिकित्सालय में करने के बाद सभी को घर भेज दिया गया। रुड़की के पिरान कलियर में विश्व प्रसिद्ध साबिर पाक की दरगाह में देश और विदेश में हजारों की संख्या में माथा टेकने आते हैं लोग, लेकिन सुरक्षा के कोई इंतजाम यहां नहीं है। बता दें कि कलियर में कई गेस्ट हाउस मानकों के अनुरूप नहीं चलाए जा रहे हैं, जिनमें आए दिन कोई ना कोई घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन और संबंधित विभाग ध्यान नहीं दे रहा। वहीं कई गेस्ट हाउस बिना रजिस्ट्रेशन के भी चल रहे हैं, जिनमें जायरीनों को बिना आईडी के ठहराया जा रहा है। इन गेस्ट हाउस से पहले भी बांग्लादेशी अफगानी नागरिक भी पकड़े जा चुके हैं, लेकिन आज तक कोई इन गेस्ट हाउस पर कार्रवाई नहीं हुई। कलियर में जो गेस्ट हाउस वगैरह हैं, होटल्स वगैरह हैं, वो बिना रजिस्ट्रेशन के होटल चल रहे हैं और बिना कोई आईडी कार्ड देखे वो होटल में वो लोग रह भी रहे हैं, और वहाँ पे आपराधिक किस्म की जो घटनाएं हो रही हैं ये भी हमको सूचना मिली थी। तो इस संबंध में मैंने पुलिस को भी लेटर भेजा है और पर्यटन विभाग को भी भेजा है, और कुछ शिकायतें मुझे नशीली दवाओं की भी मिली थी। तो उस संबंध में मैंने जो ड्रग इंस्पेक्टर है और सीएमओ जो हरिद्वार है उनको भी पत्राचार कर लिया है, और जब भी ये आएंगे हम लोग ज्वाइंटली एक रेड करेंगे और इंस्पेक्शन करेंगे। उत्तराखंड में लोक निर्माण विभाग में अब तक बाहरी कंपनियों के माध्यम से डिजाइन के कार्य किए जाते थे, जिसका विभाग द्वारा भुगतान किया जाता था। ऐसे में अब उत्तराखंड लोक निर्माण विभाग ने एक अन्वेषण सेल का गठन किया है। इस सेल के द्वारा विभागीय अभियंताओं को पुलों के डिजाइन बनाने के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी।
तो जितनी भी सड़कें हैं, चाहे वो किसी भी प्रकृति की हो, जिसका निर्माण लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है अपने राज्य योजनाओं के अंतर्गत, तो उसमें अन्वेषण और डिजाइन का काम विभागीय अभियंताओं द्वारा किया जाएगा। जहाँ तक पुलों की बात है, तो पुलों के मामले में अभी उतनी जानकारी विभागीय अभियंताओं को नहीं है, लेकिन इसमें भी ट्रेनिंग की जाए दी जाएगी और ये कोशिश होगी कि भविष्य में जितने भी पुलों की डिजाइनिंग है वो सब। उत्तराखंड के लक्सर में सपनों को साकार करने के लिए दिव्यांग दिग्विजय सिंह ने हौसला दिखाया और सबको एक सीख दी, डर के आगे जीत है। दिव्यांग दिग्विजय सिंह ने मोहाली चंडीगढ़ में राष्ट्रीय स्तर की कार रेस में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। इस रेस में 8 खिलाड़ियों ने भागीदारी निभाई थी। दिव्यांग दिग्विजय सिंह ने इस रेस को 1:49 में पूरा किया। ये रेस ऑफ रोड की रेस थी जो कि बहुत ही खतरनाक होती है, जहां आम आदमी भी गाड़ी चलाते हुए कठिन महसूस करता है। वहीं दिग्विजय ने इस पर रेस लगाई, तमाम मुश्किलों के बावजूद भी हिम्मत नहीं हारी और बल्कि दूसरा स्थान प्राप्त कर अपने लक्सर क्षेत्र के साथ साथ अपने प्रदेश का नाम भी रोशन किया। वहाँ पर F1 कैटेगरी में खेलते हुए मैंने द्वितीय स्थान प्राप्त किया नेशनल लेवल पर, और ये स्पीड का खेल है और हम लोगों के लिए तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है कि दिव्यांगता होने के कारण एक सामान्य लोगों के साथ कार चलाना, कार दौड़ाना ट्रैक पे, वो बहुत बड़ी बात होती है। और विदाउट हैंड कंट्रोल एक सामान्य कार को चलाना अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है कि राष्ट्रीय स्तर पर चैम्पियनशिप में द्वितीय स्थान प्राप्त करना। और मैं तो यही कहूँगा कि बाकी लोग भी जो मैं कर रहा हूँ उस चीज़ को देख के मोटिवेट हो, क्योंकि जीवन में सुख दुख और ऐसी चीज़ें लगी रहती है, लेकिन हार मानना बिल्कुल गलत है, हार नहीं माननी चाहिए। पता नहीं कौन सी उपलब्धि और कौन सी जगह आपका विश्वास आपको देख रही है कि कब आप आओगे, और आप बस शुरुआत कीजिए। इस बार चारधाम की यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को ऑल वेदर रोड की कटिंग की वजह से जगह जगह लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय ने कटिंग का काम हर हाल में चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले पूरा करने का आदेश जारी किया। शनिवार को सीएम आवास में मीडिया से मुखातिब हुए राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने कहा कि चारधाम ऑल वेदर रोड परियोजना में 646 किलोमीटर सड़क का चौड़ीकरण प्रस्तावित है। इसमें से 452 किलोमीटर सड़क में चौड़ीकरण पूरा कर लिया गया है। ये कुल काम का 70% है। बाकी बचे हिस्से के लिए अधिकारियों को कहा गया है कि चारधाम यात्रा से पहले कटिंग का काम पूरा कर लिया जाए। जनरल वीके सिंह के मुताबिक महाकुंभ 2021 से पहले परियोजना पूरी कर ली जाएगी, ताकि कुंभ में शामिल होने वाले श्रद्धालु चाहे तो चारधाम की यात्रा कर सके। नैनीताल में इस वर्ष हुई बर्फबारी ने कई वर्षों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जहां नगरीय क्षेत्र में दिन भर बारिश का सिलसिला जारी रहा, वहीं सरोवर नगरीय ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी ने चोटियों को सफेद चादर से ढक दिया। ये इस मौसम की छठी बर्फबारी थी, जिसे देखकर लोग उत्साहित नजर आए। मौसम विभाग के पूर्वानुमान को देखते हुए यहां पर्यटकों का आवागमन भी शुरू हो गया। नैनीताल की ऊंची पहाड़ियां, नैना पीक, स्नो व्यू, हिमालय दर्शन, किलबरी और बारह पत्थर में सड़कें बर्फ से ढक गईं। और यहाँ वेदर बहुत ही अच्छा है। हमने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ इतना अच्छा वेदर होगा, बट इट इज अमेजिंग। और आई थिंक सबको एक बार जरूर आना चाहिए, इट्स अ ड्रीम प्लेस। इससे पहले बर्फ देखी है? हाँ, पढ़ते हुए देखी है? पढ़ते हुए भी देखी है सर, बट यहाँ का जो नजारा है ये बहुत बहुत यादगार। यहाँ पे जो मौसम है दैट इज वेरी ऑसम एंड वी आर एंजॉयिंग वेरी मच। बहुत मनोहर दृश्य है एक्चुअली यहाँ पे, एंड हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना अच्छा वेदर होगा। ऋषिकेश से खबर है, यहाँ रायपुर देहरादून जाने वाले मार्ग पर तेंदुआ नजर आया। गाड़ी में बैठे लोगों ने मोबाइल से तेंदुए की वीडियो बना दी। तेंदुए के दिखने के बाद से जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से निकलने वाले यात्रियों में दहशत का माहौल है। और चलिए शिक्षा बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।